July of our beginning. Start with the sacrosanct name of Allah, who is the most merciful and beneficent and perpetual our days. The topic which have been assigned by our respective teachers and also physiology department, which is about physiology of kidney and its function, also about immune formation. So, introduction of kidney. In kidney, we call for the acid, vein structures and jinki wajah se sare jo processes hain wo yahan par ho jate hain. Sabse pehle to kidney jo hai wo pin shaped structure hai. Lobia ki tarah do structures hain. It lies on the posterior abdominal wall. Yani jo kidney hai wo posterior abdominal wall par pade hote hain aur this is retroperitoneal organ. Ek hota hai intraperitoneal organ, ek hota hai retroperitoneal organ. Yani intraperitoneal organ ya retroperitoneal organ se ye farak hota hai ki ek peritoneum se bilkul cover hota hai, ek iske ek side se cover hota hai, ek side se cover nahi hota. Jo ek side se cover nahi hota wo kidney yani retroperitoneal organs hote hain. Acha, kidney the basic structure functional unit of is nephron. Yani जिस तरह हमने कहा सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेम लाइक दैट इस तरह हमने कहा कि जो नेफ्रॉन्स हैं वो किडनी के बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स कहलाते हैं. अगर इस डायग्राम को यहां पर देखें, ये नेफ्रॉन की डायग्राम है. नेफ्रॉन या किडनी में बहुत सारे एक तरह से लिखेंगे बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी में पाए जाते हैं. अगर हम एक नेफ्रॉन को जूम करके एज ए माइक्रोस्कोप देख लें तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आ जाता है. इसमें बैमोन वुमेन कैप्सूल है, ग्लोमेरुलस है, प्रोक्सिमल कैलोमेट्रिक ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कैलोमेट्रिक ट्यूब्यूल है एंड कलेक्टिंग डक्ट है. अगर हम यहाँ एक इंटरव्यू में देखें हर एक का क्या काम है, तो ग्लू सबसे पहले रीनल आर्टरी आकर यहाँ पर कैपिलरीज का एक गुच्छा बना देता है जिसे हम नाम दे रहे हैं ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस में आगे आते हैं प्रोक्सिमल कैलोमेट्रिक ट्यूब्यूल जहाँ पर ज्यादातर रेट ऑफ सॉर्प्शन होता है. इसके बाद लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर मुख्य आयन का नुकलेहा के एक्सचेंज होता है. उसके बाद डिस्टल कैलोमेट्रिक ट्यूब्यूल और लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट जहाँ बेस मटेरियल सारे इकट्ठा हो जाते हैं. तो ये टोटली स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का. किडनी के फंक्शंस, ऐसे तो किडनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं. अगर हम चंद डिस्कस कर ले, उसमें सबसे पहला आता है एक्सक्रीटरी फंक्शन ऑफ द किडनी. एक्सक्रीटरी फंक्शन में हम किडनी को माना ही जाता है एक्सक्रीटेशन ऑर्गन ऑफ द बॉडी. इसमें यूरिया सीक्रेट होता है, कैरेटिनिन सीक्रेट होता है जो कि बेस मटेरियल्स है, और सम ड्रग्स भी यहाँ से सीक्रेट हो जाता है. उसके बाद है होम्योस्टेटिक फंक्शन. किडनी होम्योस्टेटिक फंक्शन करता है. अब व्हाट यू मीन बाय होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस कहते किसे हैं, यानी कि टू मेंटेन कांस्टेंट एनवायरनमेंट इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. जो आपकी बॉडी के जो मुख्तलिफ फंक्शन है उसमें चेंजिंग ना आए. जिस तरह हमारे ब्लड प्रेशर है, यूरिन की पीएच है, इस तरह के बहुत सारे रिदम्स हैं जिसमें एक होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रहा है. वाटर इंटेक है, ग्लूकोज लेवल है, इस तरह के बहुत सारे उनको भी होम्योस्टेसिस फंक्शन कहा जाता है. और किडनी भी यहाँ पर वाटर बैलेंस करता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है. और थर्ड फंक्शन आता है इसका एंडोक्राइन फंक्शन. ये इसका यूनिक फंक्शन है, ये बहुत ही एक अहम फंक्शन है अलग अलग की तरफ से, क्योंकि इससे हमारा जो मेन आरबीसी फॉर्मेशन है वो इसी मेथड से हो जाता है. एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द किडनी, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है एरिथ्रोपोएटिन. वो हार्मोन एक्ट करता है बोन मैरो पे और आरबीसी बना देता है, जो कि आरबीसी आप लोग सबको पता है तो मेन चीज है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए और ये इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है. उसके बाद आती है एसिड बेस बैलेंस. हमने पहले कहा कि यहाँ पर किडनी जो है वो एसिडिटी फंक्शन के साथ साथ एसिड बेस बैलेंस रहता है जिससे एक बफर एक्ट कर लेता है किडनी एज अ एक्ट एज अ बफर. सो ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, अब हमने देखा कि किडनी सारे फंक्शन कर रहा है, नेफ्रॉन भी है, बहुत सारे जो हमने फंक्शन डिस्कस की है, एंडोक्राइन है, वाटर बैलेंस है, जितने भी है, इसके लिए एक एक ट्रक की जरूरत है. जिस तरह एक गाड़ी है, जो भी है, ऐसा कोई चीज है, उसके एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसकी वजह से वो चल सके. सेम लाइक दैट किडनी के लिए भी ब्लड सप्लाई बहुत जरूरी है. ब्लड सप्लाई है तो भी चलेगी. अब ब्लड सप्लाई किडनी में सबसे पहले तो रीनल आर्टरी आती है. रीनल आर्टरी आई, रीनल आर्टरी आगे चेंज होकर फाइव सेगमेंटल आर्टरी में चेंज होता है. फाइव सेगमेंटल आर्टरी रीनल आर्टरी आई, उसने फाइव सेगमेंटल आर्टरी में चेंज हो गया. इसके बाद चेंज हो गया लिबुलर आर्टरी में, लिबुलर आर्टरी के बाद आर्कोइड आर्टरी में, आर्कोइड आर्टरी के बाद इंटरलिबुलर, फिर एफरेंट, फिर ग्लोमेरुलस, फिर लास्ट तक इफरेंट आर्टरी. ये आर्टरी सप्लाई यहाँ पर भी डायग्राम में बताया गया है. जिस तरह इस डायग्राम में आप देख सकते हैं,
कि रीनल आर्टरी आई बाहर से मुख्य जगह पर चेंज हुई, यही पैटर्न है जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में मेंशन है। तो यही ये होता है टोटली ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी, जिसकी वजह से किडनी फंक्शनलाइज है। उसके बाद अगर हम देख लें यूरिन फॉर्मेशन, किडनी यूरिन फॉर्मेट तो कर लेती है लेकिन इस यूरिन का कंसंट्रेशन क्या है, कंपोजिशन क्या है, अगर इसको एक देख डायग्राम से या वैसे समझने के लिए अगर हम कहें कि जो वाटर है किडनी में 90-95% वाटर होता है यूरिन में, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट्स है, कुछ सोडियम है, पोटेशियम है या पोटेशियम है, और इसके साथ साथ बेबिस बेस प्रोडक्ट्स है जिससे यूरिया है, ये सारे मिलते हैं यूरिन में। यही चीज का मतलब यही चीज की कंपोजिशन से जो है वो यूरिन बन जाती है। अगर यूरिन को यहाँ पर आप लोग इस डायग्राम पे देख सकते हैं, अगर हाँ ये तो हमें सुपरफिशियल बात है कि इसका यूरिन के जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अगर हम इसको लेबोरेटरी में देखें या बहुत ही डीप तरीके से देखें तो ये सारे आयन वहाँ पर मिल जाते हैं जो कि खास कंसंट्रेशन से मौजूद है। तो ये सारी यूरिन कंपोजिशन की बात होगी। अब जो मेन फंक्शन है किडनी का यूरिन फॉर्मेशन, अब किडनी यूरिन फॉर्म तो कर लेती है लेकिन किस तरह, उसके लिए हमें भी सबसे पहले तीन मेन मेथड्स हैं उनके जरिए से ये काम हो जाता है। सबसे पहला है फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है सिक्रीशन। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे कि सिक्रीशन किस तरह होती है या फिल्ट्रेशन या रीएब्जॉर्प्शन किस अंदाज से होती है और किस तरह से होती है। सो पहली बात है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आप जब देख रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पर उनका ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, उसके बाद ग्लोमेरुलर किससे बनता है, किडनीज है। यहाँ पर ब्लड रीनल आर्टरी आ कर रही है, इसका शर्ट है ब्लड प्रेशर से आकर आती है कैपिलरीज में चेंज हो जाता है। जैसे कैपिलरीज में आता है तो कैपिलरीज में छोटे छोटे पोल्स हैं या छोटे छोटे सुराख हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पर वाटर है, यूरिया है, ग्लूकोज है, जो कि उन पोल्स से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, आगे फिल्टर हो सकते हैं, वहाँ से वो फिल्टर होकर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की दूर में आ जाएगी और बाकी जितना भी मतलब जिसकी वेट बढ़ा है जिनके प्रोटीन्स है ऐसा कि कोई चीज़ है जिसको वहाँ पर क्रॉस ना करता हो वो वहाँ पर रह जाएंगे। तो इसी चीज़ का नाम तो फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन इसी चीज़ का नाम है। तो आप कुछ चीज़ पास हो कुछ चीज़ बाहर रह जाए ये फिल्ट्रेशन हो गया। उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद आगे टिपिकल रीएब्जॉर्प्शन, यानी जो चीज़ वहाँ से ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन होकर आ गए जैसा ग्लूकोज है या फिर सोडियम है या कुछ आयंस है, कुछ भी ऐसा है सोडियम है, वहाँ से तुम्हारे बॉडी के लिए कुछ चीज़ अगर फिल्टर हो रहा है तो वही चीज़ें बॉडी के लिए ज़रूरी भी है या ज़रूरी है, वो दोबारा बॉडी के जरिए प्रोक्सिमल कार्बोहाइड्रेट ट्यूब्यूल्स के जरिए वहाँ से दोबारा ये रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्यों प्रोक्सिमल कार्बोहाइड्रेट ट्यूब्यूल से क्यों रीअब्सॉर्ब होते हैं, वहाँ आगे क्यों रीअब्सॉर्ब होते हैं, जो हेलने में ज्यादा क्यों रीअब्सॉर्ब होते हैं। इसके लिए आंसर यही है कि वहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स हैं, वहाँ कुछ पाउडर बना देते हैं एक सरफेस एरिया का, वहाँ कुछ रिसेप्टर्स की वजह से वहाँ इनकी रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है। तो प्रोक्सिमल कार्बोहाइड्रेट ट्यूब की रीअब्सॉर्प्शन के बाद हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है, वो है टिब्यूलर सिक्रीशन। अब टिब्यूलर सिक्रीशन ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स वहाँ ने कहा कि रीअब्सॉर्प्शन हुए फिल्टर हुए, वो जितने भी दोबारा आगे आए उनको पहले से ट्रैवल किया है, उसके बाद जैसे लोग फैलने की ट्रैवल करने के बाद जब आते हैं कलेक्टिंग करके प्लास्टिक बैग से पहले या फिर टिब्यूलर सिक्रीशन होती है, तो जितना भी हमने कहा कि फिल्टर होकर आए हैं या फिर रीअब्सॉर्ब होकर आए हैं, जितनी बाकी चीज़ें बचती हैं वो ऐसा कलेक्टिंग डक्ट पे आकर बार बार बॉडी के जरिए एक्सपेल हो जाते हैं। तो ये टोटली है यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप्स। एंड थैंक यू। थैंक यू।